गुरुग्राम में आज से G20 देशों का 4 दिवसीय अधिवेशन होगा, जिसमें एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप के मुद्दे को लेकर बैठक होगी। 38 देशों के डेलीगेट्स इस बैठक में हिस्सा लेंगे। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह इस बैठक में मौजूद रहेंगे। केंद्र और प्रदेश के कई बड़े अधिकारी इसमें शामिल होंगे। विदेशी मेहमानों के स्वागत के लिए खास तैयारी की गई है। सभी देशों के डेलीगेट्स को डिनर का न्योता दिया गया है। देवेंद्र भारद्वाज इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए। देवेंद्र, कैसी तैयारी है बैठक को लेकर? देखिए, बिल्कुल लगातार जिस तरह से G20 को लेकर प्रशासन तैयारी में लगा हुआ था और आज G20 की शुरुआत होने वाली है, 9 बजे इसकी शुरुआत होगी और जिस तरह से पूरी तैयारी जिला प्रशासन की तरफ से की गई थी और केंद्र सरकार के सहयोग से तमाम जो आला अधिकारी थे वो इस तैयारी में लगे थे, क्योंकि 38 देशों के डेलीगेट्स बैठक में भाग ले रहे हैं और लीला होटल के अंदर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो निश्चित तौर पर न केवल गुरुग्राम बल्कि पूरे देश के लिए गर्व की बात है और इसी को लेकर कल जब ये डेलीगेट्स यहाँ पहुंचे थे, मेहमानों का स्वागत हरियाणवी कल्चर के मार्फत किया गया और उसके बाद इन्हें लीला होटल लेकर आया गया और सुबह भी उनको बाकायदा योगा कराया गया है और उसके बाद अब 9 बजे जब मीटिंग शुरू होगी तो निश्चित तौर पर तमाम हरियाणवी कल्चर के मार्फत इसकी उनका स्वागत किया जाएगा और इस पूरी बैठक की शुरुआत की जाएगी। 4 दिवसीय बैठक है, सिक्योरिटी किस तरीके की है? देखिए, अलग अलग 38 देशों के डेलीगेट्स हैं, उनकी अलग अलग बैठक रखी गई है। आज गुरुग्राम की बात की जाए तो गुरुग्राम में पहली जो बैठक आज की जा रही है वो इटली और इंडिया के तमाम जो राजदूत हैं और अधिकारी हैं वो इस पर रहेंगे और करप्शन को लेकर इस बैठक में विकास को लेकर चर्चा की जाएगी कि किस तरह से हरियाणा का या पूरे भारत का जो विकास का मैप रहा है वो किस तरह का रहा है और किस तरह से करप्शन पर रोक लगाई जा सकती है, दूसरे देशों में किस तरह से काम किया जाता है, भारत में किस तरह से किया जाता है, इन तमाम पहलुओं को लेकर आज इस बैठक में चर्चा की जाएगी और फिलहाल 9 बजे इस कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी जो कि पहली बैठक गुरुग्राम में G20 की है। चलिए देवेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।